वेलकम टू प्रीमियम पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस हफ्ते की OTT और थिएटर रिलीज की, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मज़ेदार वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पहले बात करते हैं OTT रिलीजेस की। तो पहला रिलीज है दादा लक्ष्मी, जो कि एक 2022 की हरियाणवी फिल्म है और इस फिल्म का अब OTT प्रीमियर होने जा रहा है 1 नवम्बर से स्टेज ऐप पर। अगला रिलीज है दोस्तों जवान फिल्म का, इस फिल्म का भी OTT रिलीज होने जा रहा है 2 नवंबर से, बट अभी तक नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया है। और जैसे ही नेटफ्लिक्स की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा तभी आप मानिएगा कि ये फिल्म 2 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी, अदरवाइज इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसकांदा, दोस्तों इस फिल्म की भी OTT रिलीज डेट कन्फर्म होगी। ये फिल्म भी 2 नवंबर को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी, बट साउथ इंडियन लैंग्वेज में हिंदी में अभी इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। अगला रिलीज है पेंटर, जो कि एक पंजाबी फिल्म है, इस फिल्म का भी OTT प्रीमियर होने जा रहा है 2 नवंबर से चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पर। अगला रिलीज है ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, जो कि एक इंग्लिश सीरीज है और ये सीरीज 2 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें 3 नवंबर के OTT रिलीजेस की, तो पहला रिलीज है स्कैम 2003 के पार्ट 2 के सारे एपिसोड को 3 नवंबर से रिलीज कर दिया जाएगा सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ साथ दोस्तों आर्या का सीजन 3 भी आपको 3 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों रथातम, जो कि एक तमिल फिल्म है, इस फिल्म का भी OTT प्रीमियर होने जा रहा है 3 नवंबर से अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ साथ दोस्तों मैट, जो कि एक तेलुगु फिल्म है, इस फिल्म का भी OTT प्रीमियर होने जा रहा है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर 3 नवंबर से। अगला रिलीज है टेलर का सीजन 3, जो कि 3 नवंबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा और ये हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों PI मीना, जो कि एक ही सीरीज है और ये सीरीज 3 नवंबर से अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों इनविजिबल, जो कि एक एडल्ट ड्रामा सीरीज है, इसका सीजन 2 आ रहा है और ये सीजन आपको 3 नवंबर से अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों भूत मेड, जो कि एक एडल्ट रोमांटिक ड्रामा सीरीज है और ये सीरीज 3 नवंबर से एल्ट बालाजी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों लॉस बिलीज, जो कि एक सीरीज है और ये सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों रोमन कैरो, जो कि एक इंग्लिश सीरीज है और ये सीरीज भी 3 नवंबर से अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है द किल रूम, जो कि एक इंग्लिश फिल्म है और इस फिल्म का VOD होने जा रहा है 3 नवंबर से। अगला रिलीज है माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग 3, जो कि एक फिल्म है और इस फिल्म का बुक माई शो स्ट्रीम होने जा रहा है 3 नवंबर से हिंदी लैंग्वेज में। अगला रिलीज है हाफ वे होम, ये भी एक फिल्म है और इस फिल्म का भी हिंदी रिलीज होने जा रहा है 3 नवंबर से बुक माई स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पर। अगला रिलीज है मगधीरा, इसका री रिलीज होने जा रहा है दोस्तों HD प्रिंट में आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। अगला रिलीज है हो जाने तू, जो कि गुजराती फिल्म है और इस फिल्म का भी OTT प्रीमियर होने जा रहा है शुमारोमी के प्लेटफॉर्म पर। अगला रिलीज है द थीफ कलेक्टर, जो कि एक 2023 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म का बुक माई स्ट्रीम होने जा रहा है हिंदी लैंग्वेज में 3 नवंबर से। अगला रिलीज है मंथ ऑफ मधु, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है, इस फिल्म का OTT प्रीमियर होने जा रहा है 3 नवंबर से आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बात करें थिएटर रिलीज की, तो पहला रिलीज है द लेडी किलर, जो कि एक अर्जुन कपूर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, ये फिल्म 3 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। अगली फिल्म है आंख मिचोली, ये भी 3 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। अगली फिल्म है UT69, जो कि एक राज कुंद्रा की फिल्म है और ये फिल्म भी 3 नवंबर को रिलीज होगी। अगली फिल्म लकीरें, जो कि एक ड्रामा फिल्म है, ये भी फिल्म 3 नवंबर को रिलीज होगी। अगली फिल्म है सरापा, जो कि एक पंजाबी फिल्म है, ये भी फिल्म 3 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको इन फिल्मों में से किन किन फिल्मों और सीरीजों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।